मेरा ख्याल है कि कानून के मुताबिक जो होता है कि कोई हुकूमत बिल पास ना करा सके तो वॉलंटरी रिजाइन करके चली जाती है, क्योंकि अगर कोई बिल भी फेल हो जाए तो पार्लियामेंट्री रवायात हैं ये रिज़ाइन कर देती हैं। अब मैं ये तो नहीं कहता है इस मुश्किल वक्त में कि ये हुकूमत रिज़ाइन करे, लेकिन ये कोशिश और करके देखिए, ये वो एफर्ट थे जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने किए और पूरी दुनिया की खास तौर पर हमारे मुसलमानों के जो ज़मीर था उसको झंझोड़ा और एक अच्छा एक्शन करते हुए ये रियलाइज़ कराया कि लेट्स बी टुगेदर, क्योंकि वी आर स्टैंडिंग हियर फॉर द ह्यूमैनिटी, वी आर स्टैंडिंग फॉर द कश्मीरीज हू आर कंटिन्यूसली सफरिंग फ्रॉम द ब्रुटैलिटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। और मैं ये भी कहूँ कि अगर सारे आर्टिकल उठाए मेरे, और मैं ये पिछले 6 महीने से इसी जगह से कह रहा था कि मोदी के तेवर ठीक नहीं है, मोदी अटैक करेगा, मोदी का प्रोग्राम इलेक्शन जीतने का पाकिस्तान के नाम पे, दुनिया पूरी में कंपेन जो है मुल्की हालात और मुल्की सिचुएशन पे करते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन पे करते हैं। ये एक बहुत प्राइम मिनिस्टर है कि बहुत पार्टी है बीजेपी जिसने अपनी कंपेन की एडवर्टीजमेंट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके शुरू की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी स्ट्रांग वॉइसेस जो इस वक्त उठी हैं इंडिया से, बड़े बड़े उनके लीडर्स, जजेस, जनरल्स और रिटायर्ड ऑफिशल्स और नॉर्मल पब्लिक जिस अंदाज से बरस रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी पे, स्टॉप यूजिंग इंडियन आर्मी फॉर योर इलेक्शंस, एंड आई थिंक पाकिस्तान की ये पता भी है और हम इसी थीम को लेके आगे चलेंगे। और आई गिव माई कमिटमेंट टू माई नेशन, आई विल कंटिन्यू टू एक्सपोज प्राइम मिनिस्टर मोदी एट एवरी पॉइंट, एट एवरी फोरम। आज भी मैंने एक अखबार में इनकी पूरी हिस्ट्री के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो एंटी माइंड सेट रा का, आर एस एस का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का, बड़ी तरीके से मैथमेटिकली, स्टेटिस्टिकली एंड ऑफ कोर्स विद सब्सटेंटिव एविडेंस के साथ मैंने पेश किया है पूरी दुनिया को। आई होप कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको पढ़ के थोड़ा सा शर्मा जाए और थैंक यू कह के चला जाए। मैं तो नोबल प्राइज़ की जब बात शुरू हुई थी तो मेरी समझ में नहीं आई थी कि नोबल प्राइज़ बाहर के लोग देते हैं, उसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं जाती। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा किया इमरान खान साहब ने इस कंट्रोवर्सी को बहुत ही बड़ी जल्दी कैप कर दिया। रही बात इंडिया की, वो तो कश्मीर को टूटंग कहते हैं, हमारे यहाँ हमला करके जहाज़ भेज के अपने बंदे मरवाते भी हैं, उनको अरेस्ट भी करवाते हैं, तो फिर कहते हैं कि हमारा इंटरनल मसला है। मैं उनको एक इंटरनल मसले की बात तरफ लेके जाता हूँ, आपने शाकुरों ला के जिस अंदाज से आपने ब्रुटैलिटी की इसको मारा बेचारे को, हमने आपको जिंदा आपका विंग कमांडर भी दे दिया और आपने उसका दिमाग भी और दिल भी निकाल के लाश से माँ बाप के हवाले किया, बच्चों के हवाले किया। मैं समझता हूँ ये कोई रेसिप्रोकल बेसिस पे चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। बिहेव लाइक अ स्टेट, बिहेव लाइक अ प्राइम मिनिस्टर एंड बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग, डोंट बिहेव, आई डोंट वांट टू से द वर्ड, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग। टेंशन उस वक्त कम होगी मेरे ख्याल से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के इलेक्शन हो जाएंगे, वरना वो ठक ठक जारी रखेगा, क्योंकि उसकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो पाकिस्तान के खिलाफ ठक ठक छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक्स और इम्प्रेशन ऑफ विक्ट्री देने के लिए ये जारी उसारी रखेगा। और डोंट फॉरगेट कि मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं वो 83(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हुए एमरजेंसी नाफज ना कर दे, क्योंकि वो पता है उसको इलेक्शन हार रहा है, तो वो 6 महीने शायद और गेन करने की कोशिश करे, लिहाजा उससे हमें चुकाना भी रहना पड़ेगा। और जब मैं चुकाना रहने की बात करूँ तो मैंने पहले भी बात की है, हमें अपनी जो नेवल बेसिस को अलर्ट करना होगा, क्योंकि खासतौर पर जो हमारा इस वक्त गवादार का मसला है जूनी से लेकर ऑनवर्ड, वो भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि इससे कोई बेहद नहीं है कि हमें इधर इंगेज करके कोई और ऐसी हरकत करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज से हमारी तैयारी है वो कोई भी कोशिश करेगा वो नाकाम होगा। और मुझे लगता है वैसे कि एक पहले एयर चीफ जो है उसे रिज़ाइन करना पड़ा, अगर इसने मोदी ने कोई और हरकत की तो इनका अगला जो है वो आर्मी चीफ रिज़ाइन करेगा। देख लीजिएगा, बड़ी मैंने बारीक बात की है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी तक चली जानी चाहिए। मैं बिल्कुल इसको मुतफिक हूँ कि सबका सर्वे करके, सबके लिए फ्लैट बना के, किसी बैंक को साथ मिला के
उनको ये दिए जाएँ। 50 से 60 हज़ार लोग हैं इसमें इस्लामाबाद में, और मेरा हाल एक ये है कि वहाँ थोड़ी सी हाइजीन भी आ जाएगी, और दूसरे वो लोग गरीब लोग जिनका जिससे वो रह रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं रह रहे हैं, उनकी हालात पे ज़िंदगी हालात जो उनके पूरा बेहतर। सिक्योरिटी रिस्क तो मर्शियात के लिहाज से जो भी गुर्बत की जगह होती है वहाँ वो पाई जाती है, वहाँ इस्तेमाल भी होती है और वहीं से बिकती भी है। बहरहाल ये लोकल जो SHO है, जब अगर उसको पता है और अगर कुछ होता है तो लोकल SHO को नोटिस में होता है, अगर मुझे एक दो जगह पॉइंट आउट कर दे तो आई टेक केयर। देखिए पहला स्टेप तो बड़ा अच्छा किया हमने जो थीम बनाई, और वो थीम रियलिटी पे थी, विच आई स्टार्टेड फ्रॉम दी वाइस स्पीच ऑफ द प्रेजिडेंसी फॉलोड बाई सेनेट, एंड आपको भी बड़े यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दी, और 3 महीने पहले से मैं वॉर्न कर रहा था पूरा रोड मैप को मोदी करने वाला है, फैट ऐप से लेके कश्मीर की ब्रुटैलिटीज, फिर उसके अटैक, LOC की वायलेशंस, ये सारी उस चीज़ का हिस्सा था। दुनिया पूरी सराह रही है और आज एक ही बंदा रो रहा है, उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसको बहुत प्रेशर आ गया RSS से, और RSS जो है उसको एग्रेशन की तरफ ले जा रहा है, मोर ब्रुटैलिटीज टुवर्ड कश्मीर ले जा रहा है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को होश के लाकर लेने चाहिए, गो इन द हिस्ट्री एज अ स्टेट्समैन नॉट एज ए ट्रेड वॉरियर, वी शुड एक्चुअली एडवोकेट फॉर पीस नॉट फॉर वॉर। देखिए हमारी जंग उनके साथ नहीं है, जंग मोदी कर रहा है, और जंग मोदी हिंदुस्तान के बॉर्डर्स के लिए कर रहा है, मोदी जंग अपने इलेक्शंस के लिए कर रहा है, तो उनका एक अल्टीरियर पर्सनल मोटिव है। हमने अपनी सरहदों की आवाज़ करनी है, अगर वो अटैक करेंगे तो मुंह की खाएंगे। मैं उसका ज़रा जवाब दे दूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब मुझे तो पढ़े लिखे अच्छे इन्वेस्टिगेटर नहीं लगते, और वो चीज़ों को मिला भी नहीं सह सकते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ वो आर्टिकल जिसमें सबसे पहले मैंने राइफल डील की बात की थी, और उसमें वो खरीदने हिंदुस्तान की हुकूमत में थे, ये फ्रांस लेंगे नील अबानी को, और वहाँ से ज़बरदस्ती वो डील जो थी वो गवर्नमेंट के सेक्टर से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में दे दी। तो सबसे पहले भाई तुम इंडियन अपोजिशन को या भाई नेम रहमान मलिक को क्यों इसका ब्लेम करते हो? मैंने तो नहीं कहा था, ये इंडियन अपोजिशन ने तो कहा था कि तुम डील जो है गवर्नमेंट से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में दे दो, तो बेसिकली तो ब्लेम आपने की, ना वो आप निकालते और ना कोई मसला क्रिएट करते। हैविंग सेड सो, आप एक आर्टिकल अगर रेफर करके पढ़ के प्राइम मिनिस्टर मोदी को पढ़ कर सुना दें कि हमने ये कहा था ये होगा, अब वो सारी जो उसकी एक इशू है उसके लिए उसको थोड़ी सी काफ़ी अच्छी खासी खिंचाई हुई है उसके अपने मुल्क से, और वो खिंचाई राफेल की, अब वो फिर भी बाज नहीं आया, अभी भी कहता है राफेल तैयारे लेने हैं, क्योंकि अंबानी कहता है भाई तुमने कमिटमेंट की थी मुझे बेचने की, RSS को पैसे देने, आगे इलेक्शन लड़ना है, तो दोबारा कह रहा है कि मुझे राफेल को खरीदने की इजाज़त दी जाए। तो बहरहाल वो उनका ज़ाती मसला है, वो अपोजिशन जाने और वो जाने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ भी गलत काम करेगा, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलेगा, मैं उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज करूँगा। बहरहाल यार मैं तो नजूमी तो नहीं हूँ इंडिया की तरह जो नजूमी होते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी बदली जो बेचती हुई है और जिस माथों के साथ जिस जज्बे के साथ कुछ चला था उस जज्बे को मार खा गया, क्योंकि झूठ बोला, झूठ का कोई सर पैर नहीं होता, इसने जो पुलवामा करवाया, पुलवामा के बाद जो एस्केलेशन की वो सिर्फ इलेक्शन है। देखिए वो की इंडिया की वजीर खारजा है, तो आप तो नहीं समझ सकती वो जाके इंडिया खिलाफ बोलेगी, या वो वही कहेगी जो इंडियन में इंडिया से उसको ब्रीफिंग मिली और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और ख़ासतौर पर जो RSS ने कहा, अगर कुछ कह के वो वापस जाती तो RSS की खबर लेता अपनी जो वजीर खारजा है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त तक OIC ने किया है, मैं अभी काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, कम से कम पहली दफ़ा खुल के उन्होंने उसको कंडेम भी किया है और काफ़ी करारदादें भी मंजूर हुई हैं, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी उसको और इम्प्रूव करना चाहिए और डेडिकेशन जाने चाहिए, और हमें दुनिया में हर इंटरनेशनल फोरम जो है उसमें इंडिया की जो ब्रुटैलिटीज़ हैं उनको उजागर करना चाहिए, और इस वक्त जो उसको जंग का एक भूत सवार हुआ है उसकी वजह उसके इलेक्शन है, ये भी दुनिया में जानी चाहिए। 54 मुल्क + 2 56 लोगों ने हमारे खिलाफ़ बोला है कि आप अपने जो हैं वो जितने कैंप से बंद करें, जो कि हमारी फेलियर है, हम अपना नैरेटिव देने में फेल रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो अपना नैरेटिव देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन 56 कंट्रीज़ को अपने हमारे वज़ीर ख़ारजा ख़त लिखें और अपना नैरेटिव प्लस जो हमारी सैक्रीफाइस उसकी डिटेल बताएं। अगर दो लोग आपके फेवर में स्टेटमेंट दे देते हैं और मेजॉरिटी आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है, तो ऑलवेज मेजॉरिटी प्रिवेल्स। वी नीड टू डू
our foreign policy to get out of the isolation. Well, दूसरे मुल्क भी जो अपना काम करते हैं वो इस अंदाज से करते हैं कि वो हर हालत में अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें और मेरा ख्याल दुनिया पूरी अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से चलती है लेकिन हमें अपनी डिप्लोमेसी को करना चाहिए हमारी डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनको इम्प्रूव करना चाहिए एंड वी शुड ट्राई टू गेट आउट ऑफ द डिप्लोमेसी. खुद ही विदड्रॉ कर लिया मैं उसमें क्या बात कर और शायद इंटरनेशनल जो प्रोसीजर्स हैं शायद उनको नहीं पता था उनके दोस्तों का. नोबल अवार्ड जो होता है वो अवार्ड होता है और वो दुनिया के ममालिक इकट्ठे बैठ के फिर फैसला करते हैं अपनी जजमेंट के मुताबिक. तो मैं समझता हूँ कि इमरान हैज़ एक्टेड वाइजली बाय विड्रॉइंग एंड कीपिंग द फेस इंटैक्ट ऑफ कंट्री एंड फॉर हिमसेल्फ. और उनके जो सात वजीर मुशीर हैं उनको थोड़ा एडवाइस करूँगा कि कोई बयान देने से पहले कुछ किताबें होती हैं ला की कुछ इंटरनेशनल किताबें होती हैं उनको कंसल्ट कर दिया करें ताकि एम्बेरसमेंट ना. सर देखिए तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि पहले तो जो नोबल अवार्ड की बात हुई थी बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई क्योंकि नोबल अवार्ड ना पाकिस्तान ने देना है ना इंडिया ने देना है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक बॉडी है जो सोच समझ के परख के देती है. मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बड़ी वाइजली वक्त पर फैसला करते हुए अपने नाम को जो विड्रॉ किया बहुत अच्छा किया इसलिए कि कुछ लोग उसको सही नहीं ले रहे थे. अगर इमरान खान साहब कश्मीर का मसला हल करवा दें और कश्मीर का मसला इनके एफर्ट से हल हो कश्मीर का मसला इनकी फॉरेन पॉलिसी से हल हो और कश्मीर में सबसे पहले आज़ादी के अगर ये जाके झंडा लहराएं तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू से गिव हिम दी नोबल अवार्ड. और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जो हमारी मदद करे जो कश्मीर को सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो है एक फैसिलिटेट करे और वो सेल्फ डिटर्मिनेशन वहाँ पे हो जाए तो मेरा ख्याल है वो हकदार इस चीज़ का. देखिए ना तो मैं स्पोक्स पर्सन हूँ पीटीआई का कि मैंने लिस्ट करके रखा हो. मैं तो सबसे पहले ये करूँगा मैं जब से आया हूँ मेरे जितने भी दोस्त हैं हर तबके के वो कहते हैं महंगाई हो गई और महंगाई मैंने जब खुद भी देखी आटा हो चले गए जो टमाटर है वो 3 टाइम 4 टाइम ज़्यादा महंगे हो गए ताने भी हमें टमाटर के पड़ रहे हैं बाहर से आपने देखा होगा. रही बात हमारी पॉलिसी की जो पॉलिसी है 56 कंट्रीज ने हमारे खिलाफ बोला है आफ्टर पुलवामा तो इसका मतलब है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी कुछ गड़बड़ थी. दो शाह महमूद कुरैशी इज़ डूइंग इज बेस्ट आई रियली विश हिम द बेस्ट ऑफ लक लेकिन ये जो 56 to 58 लोगों ने हमें ये इल्ज़ाम लगाया कि हम जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं उन्हें खत लिखा जाना चाहिए उनको अपना नैरेटिव देना चाहिए. अब आखिर देखें कल 4 रुपये 65 पैसे और ऑयल की कीमतें बढ़ गई तेल की कीमतें बढ़ गई जब उसकी बढ़ेगी तो आटे की भी बढ़ेंगी सब्ज़ी की भी बढ़ेंगी तो मैं समझता हूँ फिर आप जब घर जाएंगे तो भाभी तो आप पूछेंगी आपने किस किस से इंटरव्यू लिया था भाई आपने महंगाई की बात की क्योंकि जो इसको तो अवेलेबल पेज है वो गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया. लिहाजा अगर हुकूमत पूरी इकॉनमी को 300 में डिवाइड कर दी एक गरीब आदमी के लिए जितनी भी सब्सिडी दे के या अदरवाइज करके उनकी जो है तनखाओं के मुताबिक वो महंगाई ना बढ़ने देते और जो प्राइसेस उन पर कंट्रोल करती ये एक बड़ा वाहद मुल्क है जहाँ पे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है. अगर रेड़ी वाले ने या दुकान ने फैसला कर लिया दुकान वाले ने कि मैंने यहाँ चावल की कीमत 15 रुपये बढ़ानी है तो मुझे मैं बताऊँ उसके पास कोई चेक नहीं है कैसे खत्म करेगा. लिहाजा जो आपने शुरू में सवाल किया कि क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं हमारा एक वाइट पेपर आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ी जल्दी उसमें आप इन सब सवाल के जवाब दे देंगे. हम उन पर ब्लेम नहीं करेंगे हम उन पर तमीरी तनकीद करेंगे ताकि एक आम आदमी के लिए बेहतरी कैसी लाई जा सकती है क्योंकि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो आप पीछे है इसमें आम आदमी के लिए हमें किसी अमीर के लिए नहीं है आम आदमी के लिए हम क्या सोचें क्या करें क्या आगे लाएँ ये हमारा भी काम है पार्लियामेंटेरियन का और हुकूमत का भी इससे ज़्यादा काम है. जी मैंने तो पहले दिन पार्लियामेंट में डिमांड की कि दो काम करें पहले ABC कॉल करें जो असम्बलीज के अंदर है वो पॉलिटिकल पार्टी जो असम्बली से बाहर भी एक कंसेंसस क्रिएट करे फिर जॉइंट सेशन बनाए उसका असर भी और फ़ायदा भी बहुत होता है. पाकिस्तान की आइसोलेशन ख़त्म होनी चाहिए काफ़ी हद तक देती जाइए लेकिन अगर 56 कंट्रीज आपको वही कुछ कह रहे हैं जो भारत कह रहा है
फिर बात तो ठीक नहीं है, लेकिन हमें उन उसकी आवाज़ों की जो इंडिया से निकल रही है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे चिदम्बरम फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने बड़ी ठीक दो बातें की कि पाकिस्तान के बॉर्डर हमारे साथ हैं, वो हमारे साए हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं, हमने उनके साथ ही रहना, और दूसरी हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। ये मैंने इंडिया का फॉर्मर होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं एक्सेप्ट कि पाकिस्तान के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। और ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी समझ में आ जानी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैंने पहले दिन कहा था कि जो थीम मैंने बांधी है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये दुनिया में जाएगी, और वो गई। पुलवामा क्राइम इलेक्शन के लिए था, एस्केलेशन हो रही इलेक्शन के लिए, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ज़रा मोदी साहब को अपनी पॉलिसी को रिवाइज़ करना चाहिए। तो नहीं रहा, तन्हाई का शिकार था, हमें तन्हाई से निकलना होगा, और हमें इंडिया की वो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस जो इंडिया से निकल रही हैं मोदी के ख़िलाफ़ और इस जंग के ख़िलाफ़, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आज इसकी शुरुआत मैं इसी चिदम्बरम जो कि फॉर्मर होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कम ऑन द टेबल एंड टॉक टू पाकिस्तान। और क्योंकि हम हमसाए हैं, हम अपने हमसाए बदल नहीं सकते, दोस्त बदल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, आज मैं उसके ऊपर एक प्रेस स्टेटमेंट भी इशू किया। इस तरह वहाँ से बहुत से लोगों ने, बहुत से बड़ी बड़ी शख्सियात ने इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी को कंडेम किया है व्हाट एवर इज डूइंग। और मैं पहले दिन थीम दी थी कि ये जो लड़ाई प्राइम मिनिस्टर मोदी लड़ना जा रहा है, ये इंडिया की सरहदों की हिफाजत के लिए नहीं है, ये इंडिया की कोई इंटेग्रिटी, टेरिटोरी इंटेग्रिटी का ख़तरा नहीं है। ये लड़ाई वो जो लड़वा रहा है या सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो उसकी लड़ाई है जंग की। इसलिए आज जो मैंने आर्टिकल लिखा उसकी मैं नाम ही दिया पीएम मोदी वार। तो ये पीएम मोदी वार जो है, इसकी अपनी एक डॉक्ट्रिन है, और वो अपनी डॉक्ट्रिन लेके आया है, और वो जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन से उसे ऊपर चला गया है, और उसने ये जंग सिर्फ और सिर्फ इसको जिस अंदाज से ये इंजीनियर कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए कर रहा है। क्यों? वो दो सूरतों में विन विन सिचुएशन में रहना चाहता है। आर्टिकल 83 ऑफ द 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी क्लियरली स्टेट्स कि अगर एमरजेंसी लग जाती है तो 6 महीने ऑटोमेटिकली इस गवर्नमेंट को लग जाती है। तो अगर ये एस्केलेशन रखता है और कोई 3 हफ्ते तो ये हरकत करेगा। अगर ये नहीं करता और ठक ठक शुरू रखता है, छोटी मोटी कार्रवाई करके उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हुए कि आपने विक्ट्री का निशान बनाना चाहता है, एक येलो टॉप पगड़ी डाल के रेगिस्तान के किसी शहर में, राजस्थान किसी शहर में बैठ के करना चाहता है, तो वो भी उसकी आप बात नहीं चलेगी। वो अच्छी बात है कि पूरे इंडिया में ये बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, और OIC में जिस अंदाज से कर्दादें पास हुई हैं वो भी हमारी फेवर में जाती हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, और जिस अंदाज से हमारी डिफेंस फोर्स ने बहादुरी का मुजाहरा किया है, हम्बल से मुजाहरा किया है, वो आपके सामने है। अब राफेल की अगर डील नहीं हुई तो वो मुझे और इंडिया की अपोजिशन को ब्लेम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैंने इसको ख़त भी लिखा था, मैंने ओपन इंडियन पब्लिक को भी एड्रेस किया था। तो अब कहता है कि अगर वो त्यारे हमारे पास होते तो हम जंग जीत जाते, हम त्यारे डाउन कर देते। तो मेरा सवाल है एक मासूम सा, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, ये डील तो आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने की थी और वो तो हो जानी थी, आप क्यों लेके गए अनिल अंबानी को फ्रांस में पेरिस के शहर में एक 5-स्टार होटल में बैठ के, जब आप उन्हीं की गाड़ी में फ्रांस के प्रेसिडेंट के पास गए तो आपने अनिल अंबानी के हवाले की वो डील, जबकि फ्रांस नहीं चाहता था कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, लेकिन आपने करा दी। और अगर आपने वो डील पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट से उठाकर अनिल अंबानी को ना दी होती, ना आप पे क्रिटिसिज्म होता, आज राफेल जहाज आपके पास होते। तो शुरुआत तो आपने किया, आप मुझे क्यों ब्लेम देते हो, अपनी अपोजिशन क्यों ब्लेम देते हो? मैंने तो वो लिखा जो मैंने देखा, मैंने वो लिखा जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, एज ए पार्ट फ्रॉम ए पॉलिटिशियन आई बिन इन द पास एज इन्वेस्टिगेटर। तो मैं कोई कुछ कभी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट कर लेता हूँ, और वो मैं चैलेंज करता हूँ जो मैंने बातें लिखी हैं गलत साबित करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो चाल हमारे खिलाफ चली थी बड़ी सख्त थी, लेकिन जो हमारी हिकमत अमली है, वैसीयत पाकिस्तान, वैसीयत कौम, हमने एक होके एक आवाज़ में पार्लियामेंट से जो मैसेज भेजा प्राइम मिनिस्टर मोदी को, ये था कि वी स्टैंड यूनाइटेड टुगेदर, सो बी केयरफुल बिफोर डूइंग एनी मिस एडवेंचर विद अस। शुक्रिया।